उम्र बढ़नी नहीं चाहिए या हमने जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, बुढ़ापा जल्दी नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एंटी एजिंग मतलब एज के खिलाफ क्या मतलब हम कर सकते हैं, उसके क्या सीक्रेट्स है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। डेविड सिंक्लेयर ये हार्वर्ड प्रोफेसर है, जेनेटिस्ट है और इनका काम काफ़ी ये एरिया में है। उन्होंने बताया स्लो डाउन एजिंग कैसे करना, मतलब एजिंग स्लो डाउन कैसे करना। उनका कहना है कि हमारे बॉडी में लॉन्गिविटी जीन्स है, मतलब हमको ज़्यादा साल तक जी देंगे ऐसे जीन्स हमारे में है ऑलरेडी, और वो कंट्रोल करते हैं कि हम कितने साल जिएंगे। और जो लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं उनमें ये जीन्स है, वो लोगों में ये जीन्स है, लॉन्गिविटी जीन्स। और ये 20% लोगों में अपने माँ बाप से आते हैं, मतलब उनके माँ बाप जो है वो लंबी उम्र जीते हैं और 20% लोगों से ये लॉन्गिविटी जीन्स जो है वो अपने माँ बाप से आते हैं। और बाकी लोग हम 80% जो लोग है वो ये जीन्स से हमने जन्म नहीं लिया हुआ है, मतलब वो हमारे में नहीं है 80% लोग। तो फिर ये जो लॉन्गिविटी जीन्स है उनको मॉडिफाई कौन करता है? उनको मॉडिफाई करता है एपिजीनोम। तो जीनोम इज लाइक डीएनए वी गेट फ्रॉम पेरेंट्स, है ना, जीनोम जो है वो हम पेरेंट्स से लेते हैं, मगर एपिजीनोम जो है वो डीएनए को कंट्रोल करता है, और डीएनए को कंट्रोल करके जो लॉन्गिविटी जीन्स है उनको वो कंट्रोल कर सकता है, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और ये एपिजीनोम जो है वो उनका कंट्रोल जब लूज कर देते हैं तब एजिंग होता है। डेविड सिंक्लेयर का कहना ऐसा है कि आज से आज जो बच्चा पैदा होगा ना आज आज के दिन वो 150 साल तक जी सकता है, क्योंकि साइंस इतना बड़ा हुआ है, आगे बढ़ चुका है, साइंटिफिक रिसर्च इतने हो रहे हैं, सब ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, सब ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, मतलब सभी तो डुप्लीकेट पार्ट्स हम बिठा सकते हैं हमारे बॉडी में। तो फिर 150 साल जीना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये जो जीन्स है लॉन्गिविटी जीन्स, उनको हमने बराबर फीड किया और उनको हमने डिस्टर्ब नहीं होने दिया तो डेफिनेटली हम 120 साल तक जी सकते हैं। तो ये जो एपिजीनोम है उनको यदि उनका काम बराबर करना चाहिए ऐसा आपको लगता है, या उनको इंस्ट्रक्शंस उसको मिलनी चाहिए बराबर, ताकि वो एपिजीनोम जो है वो जीन को कंट्रोल करेंगे, जीनोम को कंट्रोल करेंगे, जीन्स को डीएनए को कंट्रोल करेंगे, तो हम हमारी लाइफस्टाइल कैसे करते उसके ऊपर डिपेंड है, हमारी लाइफस्टाइल कैसे होंगे, तो हम हमारी ज़िंदगी कैसी जीते हैं वो एपिजीनोम जो है उसको असर करते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल जो है वो एपिजीनोम को एक्टिवेट करती है, और एपिजीनोम को यदि एक्टिवेट किया, वो उनका काम बराबर करने दिया, तो डेफिनेटली लॉन्गिविटी जीन्स जो डीएनए वो एक्टिवेट होंगे, हम ज़्यादा जिएंगे। मगर क्या मालूम है क्या इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जो डेविड सिंक्लेयर ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स एनिमल के ऊपर किए हुए हैं, और उन्होंने बोला है कि अपने बॉडी को शॉक दो, अपने बॉडी को शॉक देना जरूरी है। शॉक देना मतलब क्या है? शॉक देना मतलब ऐसा है कि यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली हम 3 बार खाना खाते हैं, मैक्सिमम लोग 3 बार खाते हैं, 1 बार ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं और डिनर लेते हैं। तो उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने ये देखा कि जितने एनिमल्स चूहे के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने उनको भूखा रखा, तो भूखा रखने के बाद में उनकी आयु ज़्यादा बढ़ गई। तो उनका कहना ऐसा है कि अपने अपना जो खाना है तो उसको स्किप करो, बंद करो। तो उससे क्या होता है कि जब हम भूखा रहते हैं तो ये एपिजीनोम वो एक्टिवेट होते हैं, एपिजीनोम वो डीएनए को एक्टिवेट करते हैं, जीनोम को एक्टिवेट करते हैं, और उससे हमारी आयु बढ़ती है। तो फास्टिंग करना जरूरी है, फास्टिंग के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, और उन्हें बताया कि इंटरमीटेंट फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब एक सदी का 3 दिन करने के बजाय या एक सदी का 7 दिन करते उसके बजाय
आप यदि बीच बीच में कर दे तो अच्छा है। फास्टिंग जो है मतलब भूखा रहना, उससे क्या होता है कि हमारी जो प्रतिकार शक्ति वो बढ़ जाती है, ऐसा उनका कहना है और उन्हें वो प्रूव किया हुआ है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये है कि आप कम से कम 16 घंटे खाना मत खाओ 24 घंटे में से। 20 घंटे कर दे तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप ऐसा 2 हफ्ते करते हैं ना, 2 हफ्ते, तो लीवर के पास में जितना भी शुगर है, ग्लूकोज है, वो रिलीज करना चालू करेगा। आप बहुत हल्के हो जाएंगे, आपकी सुस्ती निकल जाएगी, एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप ज्यादा साल तक जी सकोगे। तो इसके लिए और क्या है? इसके लिए आपने फास्टिंग नंबर 1, नंबर 2 एक्सरसाइज करना। 40 मिनट से 60 मिनट तक आप एक्सरसाइज करते हो और अच्छी खासी एक्सरसाइज, पसीनातर हो जाए तो उससे बहुत फायदा होता है। ग्लूकोज फ्री डाइट आप लेते हैं तो जितना कम ग्लूकोज लेंगे आप उतना अच्छा है, और जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे उतना अच्छा है, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना जरूरी है और बहुत अच्छी नींद, 6 से 8 घंटे की नींद वो रिकमेंड करते हैं। नींद जितनी आप लेते हैं, जितना रेस्ट दिमाग को देते हैं, उतना आपके बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है, मतलब सूजन आती है, वो निकल जाती है अंदर से, बॉडी को सेल्स जो है ना वो फूक जाते हैं। तो नींद लेते हैं तो उसका सूजन जो है कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये भी एक रिसर्च आपको पता है, 80 ईयर्स तक उन्होंने रिसर्च किया, बहुत लंबा रिसर्च किया, और जो लोग बहुत ही सक्सेसफुल है, हैप्पी है, खुश है, उनको स्टडी किया 80 साल तक, और ये पाया गया है कि सबसे ज़्यादा वो लोग खुश थे जिनके सोशल रिलेशनशिप अच्छे थे। तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी होना जरूरी है। जितनी ज़्यादा रिलेशनशिप है आपकी, जितनी ज़्यादा अच्छी है, तो वो बहुत साल जी सकते हैं। बॉडी को स्ट्रेस से कम मतलब दूर रखना है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस में एड्रेनलिन, स्टीरॉइड्स, उनका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है। तो स्ट्रेस जितना आप मैनेज कर सकेंगे उतना अच्छा है। क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस तनाव में है, तो उसके लिए आप काउंसिलर की मदद ले सकते हैं, हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। डिप्रेशन जो है ना, वो भी आपको छोटी छोटी बात से डिप्रेशन आता रहता है, तो वो यदि आप खुश रहते हैं, डिप्रेशन को जल्दी मतलब दूर करना, उससे जल्दी बाहर आके एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक और हैप्पी जीवन जीना, उसके लिए काउंसलिंग है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो दवाई लेके उसका मतलब फ़ायदा आप ले सकते हैं। वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, आपका वजन कंट्रोल में है, आप शुगर अवॉइड कर रहे हैं और खाने में बहुत ज़्यादा प्लांट्स खा रहे हैं, जमीन के नीचे जो उगते हैं ना वो, और ज़्यादा प्लांट्स मतलब अभी उसमें जितना ज़्यादा प्लांट आप खाएंगे उतना अच्छा है। और प्रोटीन्स, प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से मसल मास अच्छा बनता है। इसके साथ साथ स्मोकिंग को अवॉइड करना, तंबाकू का सेवन नहीं, सिगरेट नहीं, दारू नहीं। आपका सीटिंग जो है, सीटिंग, वो सीटिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सीटिंग आपने ज़्यादा नहीं करना है। आपने घूमना है और घूम के मतलब चलना फिरना ज़्यादा करना है, तो थोड़ा सा बैठे बाद में फिर घूमो। फिर जो लोग घूमते हैं फिरते हैं तो वो हल्के भी होते हैं, उनका एक्सरसाइज भी होता है और फैट उनका निकल जाता है और वो लंबी उम्र तक जीते हैं। सो जब आप फास्ट करते हैं तो जो लॉन्गिविटी जीन्स है वो प्रोटेक्ट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप लंच बंद करो, दोपहर का खाना ही बंद करो, नाश्ता भी बंद करना है। मतलब रात को आपने 9 बजे खाना खाया तो दूसरे दिन दोपहर को 2 बजे खाना खाने का, और वो भी ज़्यादातर सब्जियाँ, फ्रूट्स नहीं खाना है, फ्रूट्स में बहुत सारी शुगर होती है, और वेजिटेबल्स, सलाद वो ज़्यादा आप खाते हैं तो बहुत अच्छा है, फ्रूट्स नहीं खाने का है। तो ये इस तरह की लाइफस्टाइल आप करते हैं तो जो डीएनए है और वो जो जीन्स है कि जो लॉन्गिविटी के लिए, वो उनका डैमेज अवॉइड हो जाता है, वो डैमेज नहीं होते हैं, उनको प्रोटेक्शन कौन करता है, एपिजीनोम करता है, और फिर आप लंबे उम्र तक जी सकते हैं। आपके चमड़े के ऊपर जो सुरकुती आती है मतलब रिंकल्स आते हैं वो निकल जाएंगे, आपका चेहरा ब्राइट रहेगा, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आपका वजन कम रहेगा, आपका एंथुजियाज्म अच्छा रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे और आपको कुछ करने की इच्छा होगी।
क्या होता है कि शुगर जो है ना बहुत ज़्यादा आपको नींद देता है। देखो आप खाना दोपहर को खाते हैं 12-1-2 बजे, भी कभी 4 से 6 के बीच में बहुत नींद आती है, क्योंकि वो शुगर जो खाया हुआ है ना उसको पचाने में बहुत ब्लड लगता है, इंसुलिन लगता है, और वहाँ से फिर आपको लगता है जरा डोजिंग की आपने थोड़ा सा आराम से सो जाना करके। तो यदि आप लंच स्किप कर रहे हो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल आप जी लो, बहुत ही एक्टिव अलर्ट, और उसके साथ साथ आपका दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। दिमाग मतलब भेजा ब्रेन, और ब्रेन को यदि प्रोटेक्ट करना है आपको तो हरदम अलर्ट रहना, एक्टिव रहना, हरदम कुछ ना कुछ नया करना, डिफरेंट करना। मतलब आप एक रास्ते से ऑफिस जा रहे हैं ना, जानबूझकर दूसरा रास्ता ले लो। एक ही बार बार एक्टिविटी कर रहे हैं, जानबूझ के दूसरी करना। एक बार आप दाहिने हाथ से खाना खा रहे हैं तो बाएं हाथ से खाना खाओ। कभी कभी स्नान करने के समय आप लोटा दाहिने हाथ में पकड़े तो बाएं हाथ में पकड़ के करो। मतलब ब्रेन को आप ट्विस्ट करो, ब्रेन को जरा चालना दो, कुछ भी नया करते जाओ। क्विज छुड़वाना, जो पेपर में आते हैं ना अखबार में क्विजेस आती है, तो क्विज छुड़वाओ, क्विज पूछो, क्विज का सॉल्यूशन दो लोगों को, तो उसमें आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली चालू रहेगा। एक्टिविटी में बिजी रहो, बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते जाना है जिसमें दिमाग लगेगा, तो वो करेंगे आप। और ज़्यादा प्रोटीन का सप्लाई अपने बॉडी को करेंगे तो वो भी अपने ब्रेन के लिए अच्छा रहता है। ग्लूकोज कम तो ब्रेन भी अच्छा रहेगा, और अल्जाइमर्स जो है, अल्जाइमर्स डेमेंशिया, वो प्रिवेंट हो सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि आपको ज़्यादा साल तक जीना है तो डेफिनेटली आपका दिमाग भी अच्छा होना चाहिए और शरीर भी अच्छा होना चाहिए और दिल भी अच्छा होना चाहिए। तो हैप्पी 120 ईयर्स, 120 साल तो कम से कम, आज जो आदमी ये लेक्चर मेरा सुन रहा है 120 साल तक तो डेफिनेटली जी सकता है, और आज जो पैदा होने वाला बच्चा है ना वो 150 साल तक जिएगा, इतना अभी साइंस आगे बढ़ रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।